हेलो गाइज, मैं अंकुर आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेन लाइन और एसएमई कैटेगरी के आईपीओ के बारे में। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन जिसका आज डे टू था, हम करेंगे इसके सब्सक्रिप्शन डेटा का एनालिसिस, मार्केट और आज गो डिजिट की अच्छी लिस्टिंग कह सकते हैं, मतलब बहुत अच्छी भी नहीं बट हाँ लॉस में नहीं गया तो इसको मैं डिसेंट या अच्छी कह सकता हूं। तो लिस्टिंग के बाद क्या हमें ऑफिस स्पेस में पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है या नहीं, खासकर तब जब मार्केट इतना पॉजिटिव हो और आज के दिन ने भी पैसा डाला है। तो हम करेंगे डिटेल में चर्चा इस आईपीओ के बारे में, करेंगे इसके सब्सक्रिप्शन डेटा का डिटेल एनालिसिस, जानेंगे इस कैटेगरी में कितना पैसा डाला गया है, लेटेस्ट ग्रे मार्केट ट्रेंड क्या है और इंपॉर्टेंट डिटेल्स। इसके साथ ही इस एसएमई कैटेगरी जैसे कि एचओएसी फूड और रोलका इलेक्ट्रिकल्स, इसके बारे में बात करने वाले हैं, इनके लेटेस्ट ग्रे मार्केट ट्रेंड और लेटेस्ट अपडेट्स जानेंगे। तो वीडियो में आपको करनी है दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो वीडियो में अंत तक बने रहना है ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके, और दूसरा अगर जो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको ऐसी बेहतर अपडेट्स हमेशा हमारी तरफ से आईपीओ और शेयर रिगार्डिंग मिल सके। तो चलिए अपनी डिटेल को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन से ही। गाइस बता दूं मैं आपको कि मार्केट ने आज एक नया हाई बनाया है, बात हो रही है यहां पर निफ्टी की, उसके साथ ही करीब 2% बैंक निफ्टी में भी तेजी देखने को मिली जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है, और जो क्लोजिंग हुई है वो भी बहुत ही पॉजिटिव हुई है। तो मार्केट के सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव हो चुके हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आईपीओ के सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव होने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस आपको ऐसी डिटेल्स अगर जो चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर पे है, ज्वाइन कर लो, नंबर 1 पे देख लो, आज के दिन आपको मैं लाइव आके गाइड किया, ठीक है, उसका लिंक इस टेलीग्राम चैनल पे, बढ़िया जैकपॉट गेन वाला लेवल मिला और यहां देख सकते हो कई सारे स्टॉक्स के लेवल, ठीक है, उसके साथ ही देख सकते हो यहां पे जैकपॉट गेन आज के दिन करीब 550 पॉइंट से ज्यादा गेन, और ये रेगुलरली आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इस चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में 1 पे है, 2 पे न्यूज चैनल और 3 पे इंस्टाग्राम का लिंक है, आपके काम का है, जरूर ज्वाइन कर लेना। तो वापस आते हैं गाइस और ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस की बेसिक डिटेल से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 22 को ओपन हुआ है, 27 को क्लोज होने वाला है, ठीक है, इसमें बीच में सैटरडे संडे की वजह से एक्स्ट्रा डेज है और 23 को सेटलमेंट हॉलिडे था, इस वजह से भी आप यहां पे एक्स्ट्रा डेज देख पा रहे हो। गाइस बात करें इसके अलॉटमेंट डेट की तो 28 है, 30 को इसके लिस्टिंग होनी, प्राइस पॉइंट 383 रुपीज का है जो कि स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे है और जो साइज है वो 598.93 करोड़ का है। इसमें 10% कोटा रिटेलर्स के लिए रखा गया है, ठीक है। बात करेगा इसके सब्सक्रिप्शन डेटा की तो हमने न्यूज चैनल पे ही साझा कर दिया था, स्टार्टिंग में आपको बताना 1 का चैनल जहां पे सारी कॉल्स आती है, गाइडेंस मिलती है, और 2 का चैनल जहां पे मार्केट की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, जब आईपीओ हो, जीएमपी हो, सब्सक्रिप्शन हो या क्वार्टर के रिजल्ट या कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर ही लेना। तो यहां पे सब्सक्रिप्शन डेटा आपके सामने है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन का, डे 2 का जो फाइनल सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 4.3 टाइम होता दिखा है, इसके हिसाब से 1420.96 करोड़ रुपीज डाला गया है टोटल। अगर जो हम यहां पे क्यूआईबी की बात करें तो 0.32 टाइम सब्सक्राइब हुआ है क्यूआईबी का कोटा, ठीक है, और इसके हिसाब से 56.78 करोड़ रुपीज डाला गया है। यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि क्यूआईबी के कोटे में ही एंकर इन्वेस्टर भी आते हैं, ठीक है, मतलब कैटेगरी यही होती है, तो एंकर इन्वेस्टर ने पहले से इसमें निवेश कर दिया जो कि हम यहां पे नहीं देख सकते थे। एंकर इन्वेस्टर लिस्ट के ऊपर हमने एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो कर दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके आप देखना किस किस एंकर इन्वेस्टर ने, यानी फॉरेन इन्वेस्टर ने, म्यूचुअल फंड ने, इंश्योरेंस कंपनीज ने इस आईपीओ में पैसा डाला है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, साथ में वीडियो के एंड में भी, तो वो चीज भी आप कंसिडर किया करो अगर जब क्यूआईबी को यहां पर देखते हो। तो फिलहाल क्यूआईबी का जो सब्सक्रिप्शन डेटा है डे 2 तक ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो क्यूआईबी होते हैं वो लास्ट डे आते हैं, ठीक है। यहां पर चेन्नई कैटेगरी में 6.84 टाइम हुआ है जिसके हिसाब से 612.12 करोड़ रुपीज डाला गया है, ठीक है, और ये कलेक्टिवली डेटा है। जो 2 लाख से 10 लाख कैटेगरी देखे तो गाइस 10.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ, 10 लाख से ऊपर कैटेगरी में देखे तो 5.22 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहां पे रिटेलर्स की तरफ से काफी अच्छा पैसा आया है, 12.34 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है डे 2 में ही, 736.90 करोड़ रुपीज आ गया है। अगर जो आप देखोगे तो एचएनआई कैटेगरी कलेक्टिवली से ज्यादा पैसा यहां पे रिटेलर्स ने डाला है और पूरे में सबसे ज्यादा पैसा रिटेलर्स की तरफ से आया है, ठीक है, मतलब 50% तो पैसा आप देख लो, करीब 1400 करोड़ हुआ है, उसमें 736 करोड़ रुपए सिर्फ रिटेलर्स ने डाला है, रिटेलर्स ने यहां भर भर के पैसा डाला है, ठीक है। एम्प्लॉय ने 6.86 टाइम सब्सक्राइब कर दिया है जिसके हिसाब से 15.15 करोड़ रुपीज डाला गया है, टोटल मैंने आपको बता ही दिया। तो यहां पे जो सब्सक्रिप्शन है, मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव जो है वो अगर जो लास्ट डे तक रहते हैं तो ये सब्सक्रिप्शन डेटा बढ़ सकता है, पर अभी फिलहाल जो सब्सक्रिप्शन डेटा है ऐसा बहुत ज्यादा तोड़ू फोड़ू नहीं है, बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है कि हम इसको ये मान के चले कि भाई बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, बिकॉज 600 करोड़ 700 करोड़ का आईपीओ अगर जो मान लो है और वो अभी रिसेंट आईपीओ से कैलकुलेशन करें तो काफी कम है,
अगर जो डे टू तक यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन डेटा 8, 9 टाइम, 10 टाइम हो जाता तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया होता, बट अभी फिलहाल के हिसाब से इतना बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, डिसेंट सा डेटा मैं इसको कह सकता हूँ। तो गाइज यहाँ पे अभी मुझे लगता है कि रुकना चाहिए, लास्ट डे डिसीजन लेना ज्यादा सही रहेगा सेफ्टी पर्पज से, क्योंकि मार्केट ने आज हाई बनाया है, आज सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है, लास्ट डे का जो सेंटीमेंट्स पॉजिटिव रहेंगे तो मुझे लगता है और ज्यादा बेहतर की उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल जो लोग थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हैं उनके लिए आईपीओ ठीक है, लगाया जा सकता है फॉर लिस्टिंग गेन। ठीक है, यहाँ पे इस बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो जीएमपी में भी हमें तेजी आते देखी है। करंट में जो जीएमपी है वो हमें अराउंड 125 to 130 रुपीज निकलता दिख रहा है, जिसके हिसाब से 34% अगेन अप्रॉक्सिमेटली होता है। तो जीएमपी 30% के आसपास की थी, फिर बढ़ती दिखी है, 34% के आसपास निकलती दिख रही है। जो इसका हाई है वो 44-45% गेन का है। ठीक है, मतलब लिस्टिंग गेन जीएमपी के हिसाब से 44-45% तक का, तो अभी हाई तक जाने में टाइम है। अगर जो लास्ट डे सब्सक्रिप्शन डेटा बहुत अच्छा होता है तो हाई तक पहुंच सकता है, जिसकी जीएमपी है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अब जो अगला आईपीओ गाइस वो है एचओएसी फूड्स, यानी कि हरिओम फूड्स, और ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। इसका अलॉटमेंट क्लियर हो चुका है। आप में से किसी ने इसमें अप्लाई किया था, आपको अलॉटमेंट मिला है, तो कमेंट करके बताना जरूर। साथ में अगर जो रोलका इलेक्ट्रिकल्स में किसी को अलॉटमेंट मिला है तो भी आप कमेंट करके बताना, क्योंकि काफी लोग नेगेटिव होते हैं कि एसएमई कैटेगरी में आईपीओ नहीं मिलता है। तो आप में से जितने लोगों को मिला है कमेंट जरूर करना, इससे काफी पॉजिटिविटी आती है, जो दूसरे लोग कमेंट देखते हैं या फिर मैं जब भी देखूंगा तो हाईलाइट उसको जरूर करूंगा। ठीक है, और साथ में किसने अप्लाई कर दिया है ऑफिस स्पेस में, ये भी कमेंट करके बताना कि आपने अप्लाई कर दिया है या नहीं। ठीक है, तो गाइस एचओएसी फूड की बात करें तो ये 24 को लिस्ट होने वाला है। करंट में जो इसकी जीएमपी वो बहुत ही शानदार निकलती दिख रही है, अराउंड 175 रुपीस तक। ठीक है, जिसके हिसाब से 364-365% अगेन होता है, तो 350% से ज्यादा का जीएमपी निकल रहा है एचओएसी में। ठीक है, रुलका इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो गाइस ये आईपीओ भी 24 को लिस्ट होने वाला है। करंट में जीएमपी अराउंड 400 रुपीस का निकलता दिख रहा है, जिसके हिसाब से 170% अगेन अप्रोक्सिमेटली होता है। तो यहां पे गाइस जो मेन लाइन और एसएमई कैटेगरी के आईपीओ थे एक्टिव, उनकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर जो आपको अपकमिंग आईपीओ की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना जरूर। साथ में ही आपको इसी चैनल पे जल्दी ही प्री ओपनिंग सेल की एसएमई कैटेगरी और मेन लाइन दोनों की वीडियो मिल जाएगी, तो वो वीडियो मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलता है अगली वीडियो में, करते हुए थैंक यू वॉचिंग गाइस, प्लीज टेल दिस टू एवरीबॉडी एंड बाय बाय फॉर नाउ।